कि सरकारी दफ्तरों में काम बटे हुए होते हैं, वो चिट्ठी जहाँ प्राप्त हुई वो रिसीट क्लर्क हुआ, वहाँ रजिस्टर पर दर्ज, वो आप गौर कीजिएगा उस पर पृष्ठांक नंबर रखा हुआ रजिस्टर में रिसीव होने का। अब वो ऑफिस में आया, उसको पता नहीं इसका क्या मतलब होगा, किसके पास जाएगा, इसके परिणाम क्या होंगे। चिट्ठी आई, वो छोटा लेवल का क्लर्क है, उसको दर्ज करते गया, फिर बाद में वो सॉर्टिंग होती है, जिस फाइल की चीज़ है उस फाइल में लग गई। तो अब चूंकि वहाँ वो लिख ली गई है, वहाँ नहीं लिखी जाए ये इंतजाम, तो हर चीज़ हर जगह नहीं हो, ऐसा तो कोई इंतजाम सिस्टम में हो नहीं सकता है। सिस्टम अपने पकड़े जाने की भी स्थितियां पैदा करती है, वो मिटाती है, साक्ष्य मिटाती है, सिस्टम चीज़ों को मिटाने की कोशिश करती है, तो उसमें चीज़ें छूटती भी हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा सिस्टम है कि उसमें सारे लोग एक जैसे नहीं है। अब वो रिसीट क्लर्क को इससे मतलब नहीं है कि किसको इससे हानि होगी, उसने दर्ज कर दिया, अब दर्ज किया तो विषय के हिसाब से उस फाइल में वो चली गई चिट्ठियाँ। अब चिट्ठियाँ चली गई, अब उन चिट्ठियों को जो जिसने फाइल बनाई उसको पता है कि जो दर्ज हो चुका है। अब ये सरकारी नौकरी में जिन लोगों को मालूम है वो ये हिम्मत नहीं करेगा, इतने बड़े मसले को वो अपने जिम्मेवारी में क्यों ले, क्या उसको मतलब है कि उसको गायब करे और फंसे। जब तक कि सत्यव्रती के आदमी वहाँ हूँ नहीं या वो बताएं नहीं, ऐसा इंतजाम नहीं हो कि इसको हटाया जाए, तो ये उसी प्रक्रिया में चिट्ठियाँ आई, लेकिन फाइल बनाने वाले ने उसको अप्रभावी करने की कोशिश की है, वो दर्ज है लेकिन उसको अप्रभावी हो जाए वो किया गया। ये जो पात्र है छोटा अफसर, ये उसको जीवन देता है। तो सर यही वो सच्चाई ना जिसको लोग किनारे किनारे करते हैं और यही निकल कर आते हैं। ये तो मारे गए शशि भूषण दास की परंपरा का ही आदमी है, ये उस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। एक लड़ाई जो रोक दी गई, एक लड़ाई जो अपने तरीके से खत्म कर दी गई उसको जलाकर मार करके, तो ये एक एक उसी सिस्टम में ऐसा भी आदमी है जो इस लड़ाई को बढ़ाना चाहता है आगे निष्कर्ष तक पहुँच। ये इसका कोई मतलब नहीं है कि ये फाइल इसने लिख के बढ़ा दी तो क्या हुआ, एक अलग सवाल होगा। ये भी बहुत कोई कम बात नहीं है कि इतने सारे पदाधिकारियों की रिपोर्ट हो, मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र हो, एक बहुत दबंग मिनिस्टर के द्वारा किया गया एक घपला है उसको दबाने की कोशिशें हैं, इस प्रक्रिया में एक बहुत न्यायप्रिय अफसर मारा भी गया है, तो ये इतना आसान नहीं था इस मामले को भी फिर से उठाना। वो अपनी नौकरी जो लोग नौकरी में, ये बहुत जोखिम का काम है, हवा के प्रतिकूल चलना, वो हवा के प्रतिकूल चल रहा है, आंधी के प्रतिकूल चल रहा है, वो इतनी सारी चीज़ें एक खड़ी की गई हैं उसके विरुद्ध जाने का वो निर्णय लेता है। तो इस जैसा कि संज्ञा जी ने कहा अभी बहुत सारी बातों सब लोगों की बातों को मैं सुन रहा था, ये यही कहानी का केंद्र है, कहानी वास्तव में यहीं पर है। वो शशिभूषण दास का संघर्ष तो अपने एक मुकाम तक पहुंचा और वो वहाँ जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं निहित स्वार्थ वहाँ विजयी हो गए हैं, निहित स्वार्थ वहाँ विजयी हो गए हैं उनको मार देने में। उनकी पत्नी, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिला होगा, ऐसा माहौल रहा होगा कि कोई उस मामले को उस समय उठा नहीं रहा होगा, तो आजीविका की जरूरत होती है सबको। उन्होंने स्कूल टीचर की नौकरी की, लड़का किताब बेचने लगा, तो अब ऐसा नहीं है कि ऐसा हो गया तो ये बात बंद हो गई। कहानी की खूबिया है किसी में से एक आदमी निकलता है जो इस लड़ाई को जिंदा करता है फिर से। ये लड़ाई जो दूसरी बार लड़ी जा रही है, वो हथियार बने हैं दोनों पर, ये लड़ाई का दूसरी बार लड़ा जाना कहानी की खासियत है। लड़ाई जो पहली बार लड़ी गई कहानी में वो तो एक अलग, उसका भी मायने है, लेकिन वहाँ व्यवस्था सिस्टम विजयी होता है। लेकिन ये जो दूसरी लड़ाई लड़ी जा रही है इसमें जरूरी नहीं है कि सिस्टम विजयी हो जाए। इसने बहुत कायदे से अपनी, आप कहानी की पंक्ति देखिए, इसने पूरी ताकत अपनी स्याही उड़ेली है, पूरी ताकत के साथ कागज पर। अब स्याही की भी एक ताकत होती है, नहीं तो लेखक हम लोग क्या करेंगे। स्याही की ताकत की भी पहचान है यहाँ, स्याही भी बहुत बड़ी चीज़ है लोकतंत्र में। तो वह उसके पास जो तलवार तो उसके पास है नहीं कि जाए और सत्यनारायण सत्यव्रती का गला काट कर आए। हालांकि जब संतोष बढ़ता है तो ऐसा भी हो सकता है, और नक्सल झारखंड में ये सब भी करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों को गोलियाँ से उड़ा देते हैं। जब असंतोष एक विकृत रूप लेता है तो कुछ भी होता है, लेकिन फिलहाल उसके पास स्याही है, उस स्याही से एक लड़ाई को आगे बढ़ाता है। इस लड़ाई को दोबारा जिंदा करने में कहानी है, ये पहली कहानी अपनी जगह, यह दूसरी लड़ाई जो है वह कहानी, वो मेरी नज़र में इस दूसरी लड़ाई का ज़्यादा मायने है, और मेरी संवेदना इस दूसरी लड़ाई में,
पहली लड़ाई में तो है ही है, लेकिन इस दूसरी लड़ाई में मेरी चेतना की ताकत इस दूसरी लड़ाई में लगी हुई है। पहली लड़ाई में मेरा मन है, मेरी भावना है, मेरी संवेदना है पहली लड़ाई में, लेकिन मेरी चेतना इस दूसरी लड़ाई में शामिल है।